नमस्कार, स्वागत है आपका सारा देश 100 खबरों में। मैं आपके साथ पायल भुयन। अभिजीत सेवन ने उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के काले कारोबार का खुलासा किया है। ऑपरेशन यमराज नाम के स्टिंग ऑपरेशन के बाद उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। मेरठ में किए गए स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हमने दिखाया कि किस तरीके से कैंसर और जीवन रक्षक दवाओं समेत नामी कंपनियों के नाम पर नकली दवाएं बेची जा रही हैं। आईबीएन 7 की टीम ने पूरे 2 महीने की लंबी तहकीकात के बाद इन शातिर अपराधियों की करीब 10 घंटे की रिकॉर्डिंग की। हमारी टीम फर्जी ग्राहक बनकर इन लोगों से मिली थी। हमने पता लगाया कि ये लोग फर्जी सॉल्ट और केमिकल के जरिए दवाएं बनाते हैं और उस पर बड़ी कंपनी के स्टिकर लगाकर शानदार पैकिंग में बाजार में बेच देते हैं। आईबीएन 7 पर नकली दवा के रैकेट के खुलासे पर मेरठ रेंज के डीआईजी आशुतोष कुमार ने पुलिस की चूक मानी है। उन्होंने फौरन कार्रवाई का भरोसा दिया है। उधर ऑपरेशन यमराज पर आईएमए के संयुक्त सचिव डॉक्टर रवि मलिक ने आईबीएन 7 का शुक्रिया अदा किया है और लोगों को नकली दवा के खेल से सचेत रहने की हिदायत दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी आईबीएन 7 को खुलासे के लिए धन्यवाद किया। आईबीएन 7 पर नकली दवा के खुलासे की सोशल मीडिया पर भी धूम रही। आईबीएन 7 के दर्शकों की वजह से ये हैश आईबीएन 7 ओपी यमराज पहले दिन दिल्ली में और फिर देश में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। हम आपको बता दें कि ऑपरेशन यमराज किसी भी दवा कंपनी के खिलाफ नहीं है। नकली दवाओं के काले कारोबार में कोई भी कंपनी शामिल नहीं है। तमिलनाडु में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। चेन्नई में बारिश ने 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश के चलते चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवरूर, विलुपुरम, पुडुचेरी के स्कूल्स कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पिछले 15 दिनों से तमिलनाडु के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। भारी बारिश से मरने वालों का आंकड़ा 188 पहुंच गया है। भारी बारिश की वजह से चेन्नई हवाई अड्डा बंद करना पड़ा है। हवाई अड्डे में और रनवे पर काफी पानी भर गया है, इसलिए लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं हो पा रही है। और उधर बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर भी पानी जमा हो गया है। हालात देखते हुए रेलवे ने 30 से ज्यादा ट्रेन रद्द कर दी है। तमिलनाडु में बारिश के कहर को देखते हुए केंद्र ने फिर मदद का हाथ बढ़ाया है। इस सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी ने सूबे के मुख्यमंत्री जे जयललिता को फोन कर हालात का जायजा लिया। चेन्नई में बारिश और बाढ़ को देखते हुए सेना को बुलाया गया है और नेवी को तैयार रहने के लिए भी कहा गया है। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टर भी राहत और बचाव के काम में लगाए जाएंगे। बारिश और बाढ़ के मद्देनजर प्रशासन 24 घंटे चालू रहने वाले ऑपरेशन रूम भी तैयार किए गए हैं। साथ ही नाव, गोताखोर और पानी निकालने के पंप भी काम पर लगा दिए गए हैं। तमिलनाडु में लोगों के मुसीबत से बचाने के लिए अलग अलग जगहों पर आज शिविर भी बनाए गए हैं। साथ ही स्थानीय प्रशासन की अपील पर बांटने के लिए खाने के पैकेट्स भी तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ठंड बढ़नी शुरू हो गई है। पिछले 24 घंटे में यहां न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। शिमला में ठंड की वजह से बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। साथ ही बुजुर्गों और मजदूरों को बाहर निकलने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को कानपुर में अचानक मौसम बदल गया। काली आंधी के बाद तेज बारिश से तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई। यानी दिसंबर की शुरुआत होते ही लोगों का ठंड का सामना हो गया है। मंगलवार दोपहर को कानपुर में घने बादल छा गए और पूरे शहर पर अंधेरा छा गया। धूल भरी आंधी की वजह से सड़कों पर गाड़ियों को दिन में ही लाइट्स ऑन करनी पड़ी। वहीं प्रदेश के कन्नौज जिले में तेज तूफानी हवाओं के साथ ओले भी गिरे। इस वजह से पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग कर रहे लोगों में अफरातफरी मच गई। गुजरात में हुए स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे आज आ जाएंगे। नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत के लिए 2 चरणों में वोट डाले गए थे। स्थानीय निकाय चुनाव आनंदीबेन पटेल सरकार के लिए अपनी परीक्षा माने जा रहे हैं। इसे गुजरात का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। पाटीदार समाज के आंदोलन के चलते ये नतीजे काफी अहम हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई के लिए तमिलनाडु सरकार के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका पर आज अहम फैसला आ सकता है। फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुना सकती है। तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी को पहले उम्र कैद में बदला और रिहा करने का आदेश दिया। केंद्र ने दलील दी कि जांच सीबीआई ने की थी, इसलिए राज्य सरकार को राज्य में छूट का हक नहीं है।
राजीव के हत्यारों पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के सामने लंबी सुनवाई चली थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया था और रिहाई पर रोक लगा दी थी। राज्यसभा में संविधान पर विशेष चर्चा के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान हमारे लिए एक उत्सव की तरह होना चाहिए। चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक नेहरू ने दोनों सदनों के सहयोग की बात कही थी। दोनों सदनों के सहयोग पर सफलता निर्भर करती है और राज्यसभा की अपनी अहमियत भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संविधान निर्माताओं को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ी कि कभी एथिक कमेटी बनानी पड़ेगी, मगर हम लोगों को एथिक कमेटी बनानी पड़ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना उनके मन में है। राष्ट्र को बनाने के लिए महापुरुषों ने काम किया, उनके बारे में लोग जानते तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कामों को नकार नहीं सकता है। उनके मुताबिक संविधान हमें जोड़ने की ताकत देता है। प्रधानमंत्री के मुताबिक राष्ट्र हर किसी के सकारात्मक योगदान से बनता है। टूटे-फूटे से देश नहीं चलता, साथ साथ चलता है। लिहाजा हमें पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर एक होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और मुनाफाखोरी को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने हमें कानून बनाने के लिए भेजा है। असहिष्णुता पर संसद में हुई बहस के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि जब वीके सिंह ने दलित बच्चों की तुलना कुत्तों से की तो प्रधानमंत्री चुप रहे। राहुल के मुताबिक सरकार स्किल इंडिया की बात करती है, मगर जब एक औसत आदमी को FTII का चेयरमैन बना दिया जाता है और छात्र इसका विरोध करते हैं तो उनकी आवाज दबा दी जाती है। राहुल गांधी ने गुजरात मॉडल के जरिए भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। पाटीदारों पर मुकदमों को लेकर राहुल ने कहा कि आज हिंदुस्तान में विरोध का मतलब देशद्रोह होता है। प्रधानमंत्री राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पाकिस्तान को देखकर सबक लेने की हिदायत भी दी। राहुल के मुताबिक पाकिस्तान के नेता आवाम की आवाज नहीं सुनते हैं। प्रधानमंत्री उनसे सबक लें और अपनी जनता को आवाज दें। उधर लोकसभा में असहिष्णुता पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को असहिष्णुता का सबसे बड़ा शिकार बताया। राजनाथ के मुताबिक कौन असहिष्णु है और कौन असहिष्णु, इसका फैसला देश करेगा। उन्होंने विपक्ष पर देश में असहिष्णुता पर बनावटी माहौल खड़ा करने का आरोप लगाते हुए लेखकों, वैज्ञानिकों और कलाकारों से अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित किया है। लेफ्ट पार्टियों ने देश में असहिष्णुता बढ़ाने का आरोप लगाते हुए संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व CPM का सचिव सीताराम येचुरी और CPI के राष्ट्र सचिव वीरराजा ने की। असहिष्णुता पर छड़ी बहस के बीच राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नसीहत दी कि असली गंदगी सड़कों पर नहीं, हमारी सोच में है जो समाज को बांटने का काम करती है। अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचे राष्ट्रपति ने कहा कि हमें विघटनाकारी सोच की गंदगी साफ करनी होगी। राष्ट्रपति के मुताबिक महात्मा गांधी ने अहिंसा का जो पाठ पढ़ाया था उसका ताकत जो हमें नहीं भूलना चाहिए। असहिष्णुता पर मचे घमासान के बीच बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में वेंकैया नायडू ने पार्टी नेताओं को भड़काऊ बयान देने से बचने की नसीहत दी। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने लोकसभा में स्वीकार किया कि दाल के दाम 100% बढ़े हैं। 60 से ज्यादा सांसदों ने पिछले 6 महीने में दाल की बढ़ती कीमतों पर जवाब मांगा था। रामविलास पासवान ने बताया कि खराब मौसम की वजह से फसल नष्ट होने, ट्रांसपोर्ट के दाम बढ़ने, जमाखोरी और कालाबाजारी की वजह से दालों की कीमत बढ़ी है। जन लोकपाल बिल पर भारी विरोध छेड़ रही आम आदमी पार्टी को अन्ना हजारे ने 3 सुझाव दिए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और संजय सिंह ने बिल को लेकर अन्ना से मुलाकात की थी। अन्ना के मुताबिक लोकपाल चुनाव समिति के लिए 5 की जगह 7 लोग होने चाहिए। साथ ही 2/3 बहुमत से लोकपाल को हटाने की प्रक्रिया की जांच हाईकोर्ट की ओर से होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरी कमी सजो को लेकर बताई। दिल्ली में जन लोकपाल बिल के खिलाफ स्वराज अभियान के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान प्रशांत भूषण ने दोहराया कि केजरीवाल सरकार के इस बिल में पारदर्शिता नहीं है। शिक्षा में सुधार से जुड़े दिल्ली सरकार के 3 बिल विधानसभा ने पास कर दिए हैं। इसके बाद अगर निजी स्कूलों ने में दाखिले में मनमानी की तो उन्हें 10 लाख तक का जुर्माना और सजा हो सकती है। विधानसभा ने दिल्ली सरकार की नो रिटेंशन पॉलिसी के बिल को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब हर क्लास के लिए परीक्षाएं देनी होंगी। बिल में स्कूल की शिकायत की प्रक्रिया भी कड़ी कर दी गई है। नए अधिनियम के तहत कम से कम 20 छात्रों के माता पिता की शिकायत पर ही शिक्षा निदेशालय जांच करेगा। बिहार विधानसभा में मंगलवार को नए विधायकों को शपथ दिलाई गई। इस विधानसभा में आधे से ज्यादा नए विधायक चुनकर आए हैं।
बिहार में 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हुआ, मगर लोक समता पार्टी के विधायक वसंत कुमार के निधन की वजह से काम मंगलवार को शुरू हुआ। जीएसटी बिल पर केंद्र को समर्थन देने वाली मायावती पर उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि मायावती को जीएसटी का मतलब ही मालूम नहीं है, वो बस जनता को गुमराह कर रही हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को अधिग्रहण किए जाने की कोशिश पर उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार का विरोध शुरू हो गया है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की दलील है कि व्यवस्था के लिए मंदिर उसे अपने संरक्षण में लेना जरूरी है। सरकार के मुताबिक मंदिरों के रखरखाव के लिए यही सही है। बीएसएफ की स्थापना के लिए 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान दिल्ली में हुए समारोह में गृहमंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए और उन्होंने जवानों को शुभकामनाएं दी। स्थापना के 50 साल पूरे होने के मौके पर बीएसएफ ने शानदार परेड भी निकाली। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने परेड को सलामी भी दी। बीकानेर के तनुश्री ने 50 सालों बाद बीएसएफ की महिला अफसर बनने का गौरव हासिल किया है। तनुश्री को बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर भर्ती कराया गया है। तनुश्री पहली महिला अफसर होंगी जो बॉर्डर पर लीड करेंगी। जिस तरीके से एयरफोर्स ने महिलाओं को लड़ाकू विमान उड़ाने की इजाजत दी, उसी तरीके से बीएसएफ ने भी अब सीमा पर ऑपरेशनल ड्यूटी के लिए महिला अफसर लीड करेगी। आगरा में एसिड अटैक पीड़ितों की तरफ से चलाए जा रहे शिरोज हैंगआउट कैफे में फेसबुक का 30 सदस्य प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने तेजाब पीड़ितों का हौसला भी बढ़ाया। फिरोज की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी यहां आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी भी अब ट्विटर पर आ गए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस की हमेशा कोशिश रहती है कि जनता के साथ सीधा संवाद हो। कमिश्नर बस्सी के मुताबिक उनके बाद अब अगले चरण में डीसीपी भी ट्विटर पर आएंगे ताकि जनता से रियल टाइम संपर्क बनाया जा सके। 5 दिन पहले मुंबई के कुरार इलाके में हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। फुटेज में दिख रहा है कि एक जगह कुछ लोग बैठे हैं, तभी एक शख्स आकर गोली चला देता है। अचानक गोली से हड़कंप मच जाता है। जब तक लोग हमलावर के पीछे भागते हैं, वह फरार हो जाता है। तालकेश्वर नाम का घायल शख्स अभी भी अस्पताल में भर्ती है। पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में एक नाले में बैग में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। महिला की उम्र 30 साल के आसपास बताई जा रही है। अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। वेलकम में नाले से मिले शव के हाथ के अंगूठे कटे हुए हैं। शव कुछ दिन पुराना है और खराब हालत में है। 25 नवंबर को भी इसी नाले में बक्से में बांध एक शव बरामद किया गया था। लखनऊ के पास बंथरा इलाके में दो सगी बहनों का गला काटकर बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया। लड़कियों की मां के मुताबिक रात के वक्त 3 बदमाश दोनों घर में घुसे और वारदात को अंजाम दिया। घर वालों के बयान से पूरी वारदात पर सवाल उठाए हैं, इसलिए पुलिस अब दोनों बहनों के मोबाइल फोन डिटेल्स की जांच करवा रही है। लखनऊ के मणियाव इलाके में हुए भीषण धमाके में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर मनोज शौच के लिए कूड़े के ढेर के पास गया तो वहां रखा बम फट गया। पुलिस आतंक की वारदात से इनकार कर रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर ऑनलाइन फ्रॉड का मामला सामने आया है। एक शख्स ने साबुन से स्मार्टफोन ऑर्डर किया था, मगर आरोप है कि उसे कुरियर के जरिए फोन के बजाय साबुन की टिक्कियां थमा दी गई। बरेली के रहने वाले फैसान ने स्टैपडील से 14,000 से ज्यादा की कीमत का फोन मंगवाया था, मगर जब कुरियर उसके घर पहुंचा तो वजन ज्यादा निकला। फैसान ने कुरियर बॉय के सामने अपना पैकेट खोला तो उसमें साबुन निकला। फैसान ने जब कुरियर बॉय से फोन के बारे में पूछा तो बताया गया कि उनका काम सिर्फ पैकेट पहुंचाना है। उधर स्टैपडील की तरफ से फैसान को मैसेज मिला है कि उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं भेजा। मीरठ में पकड़े गए ISI एजेंट एजाज को सीजन को पेश किया गया। अब तक की पूछताछ में पता चला है कि एजाज उत्तर प्रदेश में चल रहे ISI के नेटवर्क का मुखिया है। पुलिस के मुताबिक एजाज अपने आकाओं पर तक खबर पहुंचाने के लिए कोड भाषा का इस्तेमाल किया करता था, जैसे कि मीरठ छापने के लिए छोटी भाभी और बरेली छापने के लिए बड़ी भाभी। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों के दौरान गोरखपुर और मऊ में फर्जी मतदान और वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने से दो गुटों में मारपीट हो गई। वहीं हाथरस में एक प्रत्याशी ने चुनाव अफसर के घर में घुसकर उसकी पिटाई कर दी। बिहार के किशनगंज में शादी से ना नुकुर करने पर एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा चला दिया। लड़की को नाजुक हालत में मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। लड़की के बयान पर पुलिस ने प्रेमी और उसके पिता और चाचा समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मुंबई के गौरीशंकर खेडिया स्कूल के टॉप फ्लोर पर देर रात अचानक आग लग गई और उसे हड़कंप मच गया। आग बुझाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक युवती की जलकर संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवती ने पुलिस की मौजूदगी में खुद को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक कांति के परिवार को अपने पड़ोसी से प्रधानी के चुनाव को लेकर विवाद था और इसी विवाद के निपटारे के लिए जब पुलिस आई तो छत पर कांति की चीख सुनाई दी। कांति के परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने एक तरफ कार्रवाई की जिससे विरोधियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने छत पर चढ़कर उनकी बेटी को जला दिया। फिल्म दिलवाले की टीम ने अपने मशहूर सॉन्ग गेरुआ की शूटिंग का वीडियो जारी किया है। इसमें बताया गया है कि कैसे गाने को आइसलैंड की मुश्किल जगहों पर शूट किया गया। गाने में दुपट्टे का काफी इस्तेमाल हुआ है। मेकिंग वीडियो में काजोल ने कहा है कि उन्हें शूटिंग के दौरान शाहरुख खान को लेक में गिरने से बचाया तो शाहरुख ने कहा कि काजोल ने वाकई में उनकी जान बचाई। गेरुआ सॉन्ग 18 नवंबर को रिलीज हुआ है जिसे अब तक 1.12 करोड़ लोग देख चुके हैं। वहीं ये फिल्म 18 दिसंबर को रिलीज हो रही है। फिल्म में शाहरुख और काजोल के अलावा वरुण धवन और कृति भी हैं। परिणीति चोपड़ा और सानिया मिर्जा ने हाल ही में गोवा में साथ में छुट्टियां बिताई और काम भी किया है। परिणीति ने मस्ती करते हुए और बीच पर भी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। परिणीति हाल ही में 15 नवंबर को सानिया मिर्जा के बर्थडे बैश में भी नजर आई थी। गोवा में मस्ती के बाद दोनों एक साथ ही मुंबई लौटी हैं। एयरपोर्ट पर दोनों के साथ में मौजूद तस्वीरें भी नजर आई। प्रियंका चोपड़ा का कहना है कि उनके लिए आने वाली फिल्म बाजीराव मस्तानी में काशीबाई का किरदार निभाना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रियंका ने ये भी कहा है कि उन्होंने ये फिल्म केवल निर्देशक संजय लीला भंसाली के लिए की है। फिल्म पीकू के बाद अमिताभ बच्चन फिर सुचित सरकार के साथ काम करेंगे। हालांकि इस फिल्म का निर्देशन नेशनल अवार्ड विजेता चौधरी करेंगे जबकि प्रोड्यूसर सुचित सरकार ही होंगे। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म तमाशा पहले वीकेंड में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 5.7 करोड़ की कमाई की। इस तरह से 4 दिन में 43.3 करोड़ के कारोबार कर चुका है। संजय दत्त अब विधु विनोद चोपड़ा की बहन के साथ काम करेंगे। विधु विनोद चोपड़ा ने बताया कि उनकी बहन शैली चोपड़ा मार्को भाव नाम की फिल्म निर्देशित करने जा रही हैं। एक बड़े पब्लिशिंग हाउस ने करीना कपूर को उनके ऑटोबायोग्राफी लिखने का ऑफर दिया है लेकिन करीना ने फिलहाल ये ऑफर ठुकरा दिया है। बताया जा रहा है कि करीना का मानना है कि अभी से ऑटोबायोग्राफी लिखना बेहद जल्दबाजी होगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड छोड़ दी है। बताया जा रहा है कि दिनेश विशन की अगली फिल्म के लिए उन्होंने चेतन भगत के नॉवल हाफ गर्लफ्रेंड पर आधारित फिल्म छोड़ दी है। अर्जेंटीना में रियलिटी शो फियर फाइटर के लिए शूट कर रही तनुश्री मुखर्जी चोट लगने से बाहर हो गई है। हालांकि तनुश्री को शो में बने रहने के लिए बाकी कंटेस्टेंट प्रोत्साहित कर रहे थे। BCCI और ICC के बीच सीरीज करार को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है। इसके मुताबिक ICC के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवासन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ICC बिग थ्री में समर्थन के एवज में भारत पाक सीरीज का करार किया था। श्रीनिवासन के करार के मुताबिक टीम इंडिया को 2023 तक पाकिस्तान के साथ 4 होम सीरीज और 2 द्विपक्षीय सीरीज खेलनी थी लेकिन इस करार की जानकारी भारत सरकार को नहीं मिल गई थी। मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को IPL से निलंबित करने की चुनौती देने वाली याचिका पर जल्दी सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। राहुल द्रविड़ ने BCCI से भारत में जूनियर क्रिकेट के लिए खाका तैयार करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय क्रिकेट के विकास के लिए जूनियर स्तर पर उम्र में धोखाधड़ी और अवैध गेंदबाजी एक्शन से निजात पाना बेहद जरूरी है। नागपुर के पिच को लेकर ICC ने BCCI से जवाब मांगा है। ICC ने BCCI को नोटिस जारी कर 14 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। .23 करोड़ रुपए की कमाई करने के बाद सोमवार को